जानबूझकर अनजान, अवाम की भी सारी उम्मीदें दम तोड़ गईं। शहरियों का वजीर आजम इमरान खान की कराची आमद पर कहना है कि ऐसे दौरे का कोई फायदा नहीं जब मसाइल का हल ही ना हो। अनुषा जाफरी की रिपोर्ट देखते हैं। कराची के शहरियों, आज मैं आपके सामने 10 नुकात रखूंगा इंशाल्लाह, जिससे कराची एक जो एक अजीम शहर बनने जा रहा था, एक अजीम शहर बनेगा। शहर अकायद ने पीटीआई को मैंडेट दिया, इमरान खान भी यहीं से कामयाब हुए। मुल्क का सदर कराची का, सूबे का गवर्नर भी शहर अकायद का बासी बना। कौमी असम्बली की 20 में से 14 और सिंध की 28 नशिस्तों पर भी पीटीआई के अरकान भरा जमान। अब रोशनियों के शहर में अंधेरा छा रहा है। बड़े बड़े दावे दावे ही रह गए, शहर को मुकम्मल नजरअंदाज कर दिया गया। क्या है वजीर आजम ने क्या किया मुल्क के लिए, कुछ बोलो तो सही। हम लोग को पता नहीं चला 11 अरब कहाँ गया है क्या, हम लोग को पता नहीं चला। हमारे को कोई उम्मीद नहीं है किसी में से भी नहीं, सब ऐसे गए ऐसे है। वजीर आजम साहब से क्या उम्मीद इस बारे में रख सकते हैं, जिन चीजों की उम्मीद रखी है अभी तक वही कोई पूरी नहीं हुई हमारी। वजीर आजम एक साल बाद कराची तो तशरीफ ला रहे हैं, लेकिन शहरियों को मसाइल के हल की कोई उम्मीद नहीं। वो जाते जाते इनका काम ही है, ये काम क्या करेंगे, ये काम तो इसी नहीं कर रहे पीटीआई वाले, ऐसे वजीर आजम बने हुए। हमें कोई तवक्कात नहीं है, देखो पहली दफा जो ना 1100 अरब रुपए थे, अभी तक हमारे ये देखो ये सड़कें देखो, जब होगा तो इंशाल्लाह बता देंगे। शहरियों का कहना है वजीर आजम सिर्फ दौरे करके चले जाते हैं, शहर की बेहतरी के लिए कोई इकदाम नहीं उठाया जाता। अनुषा जाफरी, आज न्यूज़ कर।